Well, students, myself Mehboob Ahmed Qazi, lecturer Diet Kishtwar. हम chapter 12 पढ़ रहे हैं. इसका आज नवमा पार्ट आप पढ़ेंगे. आठवें पार्ट तक नंबर 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 12.3 का. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को टच करेंगे. जैसे मैंने ऑलरेडी पिछले पार्ट में बता दिया कि फिगर गिवन है और फिगर के अंदर कुछ शेडेड रीजन है, उन शेडेड रीजन का हमको एरिया मालूम करना है. आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. उसकी फिगर दी है, फिगर को आप देख सकते हैं. ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में कुछ शेडेड रीजन है. आप देख सकते हैं शेडेड रीजन है और शेडेड रीजन के अलावा दो सेमी सर्कल्स है, ये और ये, और सेमी सर्कल का रेडियस दिया है 7 cm. अगर ये सेमी सर्कल है तो ये सेंटर मान के चलना है. ये वाला पॉइंट, बीच वाला, इस साइड का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल है. सेम ही है, इस साइड का भी जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल है. जब सेमी सर्कल का रेडियस 7 cm है तो पता चला यहां से यहां 7 cm है, तो जाहिर सी बात है ये भी तो 7 cm होगा. इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर बनी 14 cm. तो ये ऐसा स्क्वायर बना जिसकी हर साइड 14 cm है. तो आप बहुत ही क्लियर हो गया, स्क्वायर के एरिया से जब हम करेंगे माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल और माइनस करें एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. आइए इसके स्टेप्स में बताऊं आपको, स्टेप्स कैसे लिखने. मैंने पूरी स्टेप्स आपको यहां दिखाए नहीं है लेकिन आप तक स्टेप्स पहुंचाऊंगा. सबसे पहले आपको लिखना है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, दैट्स इक्वल टू 7 cm. फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर आपको लिखना है, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 7 cm इज इक्वल टू 14 cm. फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू यू नो साइड स्क्वायर. तो साइड की वैल्यू 14 आ गई, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196. ये मैं आपको बता रहा हूं स्टेप्स कैसे लिखने हैं. इसके बाद एरिया सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जब भी निकालते हैं वो सर्कल के एरिया का हाफ होता है, जिसे हम लिखते हैं 1/2 πr², लिखते आए हैं 1/2 πr². तो 1/2 इज अ कांस्टेंट, पाई इज एवरेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर 22/7 और आर की वैल्यू है 7 × 7. फिर मैंने यहां खाली लास्ट स्टेप लिखा, बाकी स्टेप तो मैंने बता दिए. लास्ट स्टेप आएगा हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ई सेमी सर्कल, क्योंकि दो सेमी सर्कल है तभी 2 लिखा गया. दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ABCD का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर माइनस 2 ट्वाइस 2 है इंटू एरिया ऑफ ई सेमी सर्कल 1/2 πr². देन हियर साइड के बदले 14 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज 1/2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 बिकॉज ये स्क्वायर है, आगे लिखा हमने cm स्क्वायर. फिर 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, यहां 2 कैंसिल किया, यहां 7 कैंसिल किया, 22 × 7 आ गए 154, दैट्स इक्वल टू 42 cm स्क्वायर. तो क्लियर हो गया इसका आंसर बना, ये शेडेड रीजन का एरिया बना. तो दोबारा से मैं थोड़ा सा इस पे और रिव्यू करना चाहूंगा, आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि आपके पास एक स्क्वायर था, ये स्क्वायर की साइड की लेंथ आपको मालूम नहीं थी, लेकिन इस स्क्वायर के लेफ्ट में और राइट साइड में दो सेमी सर्कल्स दिखाए गए हैं और जो सेमी सर्कल का रेडियस दिया 7 cm, जो 7 cm उसका रेडियस है, तो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड बनी 7 cm, तो कंप्लीट लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर बनेगी 14 cm. तो 14 cm बनने के बाद एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाला गया और एरिया ऑफ अ स्क्वायर से दो सेमी सर्कल का एरिया हमने माइनस किया. इस तरह हमने हासिल किया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. आई थिंक आई एम क्लियर. थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेस. पार्ट नंबर 9 था ये, कंप्लीट किया. अब पार्ट नंबर 10 हम अगले लेक्चर में लेंगे. थैंक्स.